वेरी ब्लाइंड नॉन सेंस बात करते हैं लिटरलीस दैट टाइम आई थॉट आई लिव इट आई जस्ट कान डू इट आई वोट डू वन डे आई मेक यू प्राउड प्लीज ट्रस्ट मी ट्रस्ट द प्रोसेस And then you are watching Getting Real on Famous TV, where we meet and get to see the real, authentic sides of the stars and superstars of TV and reality shows. Today, we are getting real with someone who made a name for herself in the industry in a very short span of time. She is only 23 years old and she has already done 6 shows on TV. Currently, she is acting in the popular TV show Nagin 6 and Login Pyar Se Chudi Sardarni or Let's meet and get real with the young, dynamic, great dancer and a fun person to hang out with Amandeep Sidhu <laughs> Hi Hi, thank you so much That was a huge introduction though But you were fabulous Hi <laughs> I am so happy that you are here and you make time for us I am much more happier than you <laughs> So Amandeep, our show's name is Getting Real Yeah Are we getting real today? Of course we are, that's why I am here Yes So tell me who is the real Amandeep Sidhu? Okay, so uh, the real Amandeep Sidhu is a 23 years old girl who is shy, of course, and sensitive, sensible, little bubbly, and जो बहुत ही small town से आई है और बहुत बड़े सपने लेकर आई थी बॉम्बे में और वो धीरे धीरे उसके लिए बहुत hard work कर रही है कि वो सपने अपने पूरे करे और by God's grace वो हो रहे हैं and that is it. <laughs> आई ऑल्सो नो दैट अमन दी बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है <laughs> जो वो खुद नहीं बोल रही है आई मीन या मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स आई बिलीव सो अमन यूवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर नो नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स ऑल्सो एवर था अबाउट इट यू नो वॉट आकृति मैंने अभी तक ये बात किसी से शेयर नहीं करी है बट एज वी आर गेटिंग रियल हियर So I want to tell you one thing. When I was a kid, when I was a teenage, I always used to think that I'm not pretty. I always used to think that I'm not worth it. What because, are you saying? Yeah, because my sister, she was this golu molu cute little baby. Everyone used to love her, and I was like a patlu but bachi just. जिसको जिसको देख के किसी को प्यार नहीं आता था ऑब्वियसली एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मैं इतनी क्यों प्रीटी नहीं हूं मैं मीत की तरह एंड शी वाज वेरी फेयर एंड आई वाज रियली डार्क व्हेन आई वाज अ किड नाउ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड मैंने कुछ नहीं किया बट कलर चेंज बट आई वाज रियली लिटिल डस्की देन हर एंड शी वाज मच मोर प्रिटियर एंड शी इज़ मच मोर प्रीटीर देन मी राइट नाउ आल्सो बट आई ऑलवेज हैड अ थिंग इन मी दैट आई एम नॉट प्रीटी आई एम नॉट वर्थ इट सो सो so, कभी ये सोचा भी नहीं होगा मैंने लाइफ में कि मैं कभी कैमरे के सामने भी आऊँगी आपको पता है मेरी टीन की जितनी भी पिक्चर्स है ना आई डोंट हैव इट बिकॉज आई इट यू वॉन्ट योर या बिकॉज आई आई थॉट दिस 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 इज इज लुक लाइक इट लाइक दैट सो इट वॉज लाइक अ चाइल्ड हुड ट्रामा सो ये जो ट्रामा आया ये अपने आप अंदर से आया या किसी ने तुम्हें बोला कि तुम सुंदर नहीं दिखती हो नो यू नो वॉट माई सिस्टर वॉज इ फर्स्ट कैंड वो रिलेटिव एंड सब लोग पहले बच्चों को बहुत ज़्यादा यू you नो know, जैसमिथ 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 करते थे पर्पसली कोई नहीं करता बट वेन आई केम जब मेरे को होश संभाला मैंने सब कुछ तो मैं देखती थी कि अभी वन जस्ट लव लव हर सो मच और मेरे लिए वो का है मुझे दिख नहीं रहा है एक तो वैसे ही दिमाग में नेगेटिव थाट्स तो हर चीज़ ना मुझे बुरी लगती थी सबकी इनफैक्ट आई यूज टू हेट माई मॉम आई यूज टू हेट माई सिस्टर कि नो यार आप लोग सिर्फ उससे प्यार करते हो मम्मा मुझे अभी भी बताती कि तू क्या क्या बोलती थी एंड

यू नो इंडिपेंडेंट तो होना है कुछ भी करके मुझे इस घर से निकलना है मैं 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 इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ मुझे सिर्फ यही करना था बट देन आफ्टर ट्वेल्थ आई थॉट कि लेट्स डू होटल मैनेजमेंट सिंपल सा है घर से बाहर भी निकल जाऊँगी दूसरी जगह जाके जॉब हो जाएगी इट्स अ कम्फर्टेबल जॉब यू नो राइट बट गॉड हैज़ हिज ओन प्लान आई थिंक सो सो कैसे हुआ वॉट डिड यू डू एंड यू बैक टू फर्स्ट शो विच वॉज ये प्यार नहीं तो क्या है उस उसकी कहानी जाना चाहिए तो आफ्टर ट्वेल्थ सम मन जस्ट कॉल्ड मीअप एंड दे व लाइक की वन ऑफ माई फ्रेंड ओनली एंड ही वॉज लाइक यू नो यू हैव अ गुड हाइट एंड यू हैव अ फोटोजेनिक फेस एंड वाई डोंट यू ट्राई इन मॉडलिंग बिकॉज ऑफ यूर हाइट एंड ऑल सो डेली में मॉडलिंग का बहुत है बहुत सो आई वॉज लाइक वो के लेट्स गो फॉर इट एनी विच वेज में ट्वेल्थ के बाद थ्री मंथ्स के लिए वो रिजल्ट के लिए वेट करते तो दे पास टाइम था आई वॉज लाइक ओके सो आई डेट फ्यू शूट्स एंड आई वॉज कैन ए गुड मनी सो so, उस एज में 18 आई uh, वाज 18 इयर्स ओल्ड उस एज में पैसे आ रहे थे तो मैं तो अलग आसमान थी कि ओ गॉड एम अर्निंग सो वेल एंड सो उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग दिस मैं मतलब महीने में तीन चार बी शूट पे जा रही थी तो आई वाज आई गॉट माय कॉन्फिडेंस दैट आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम समवन

लूंगी एटलीस्ट मुझे पता था होना तो है आखरी थी यू हैव नो एक्सपीरियंस हाँ और आप 18 इयर्स के हो आपने कुछ नहीं दिया आपको पता है एक्टिंग कितनी डिफिकल्ट है तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में यही होगा ना आपको नहीं होना है आप सिलेक्ट okay. नहीं होगे ट्राई करके so, आ जाते हैं yeah, और नहीं तो मोमोज खा कर आ जाऊंगी हां सो मैं गई मैं मोमोज वाले के पास गई तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी तो मैंने कहा टिके पहले मैं ऑडिशन दे देती हूं अब आई हूं तो दे देती हूं ना तो मैं गई और मैंने ऑडिशन दिया सो मुझे बोला ऑडिशन देने के बाद मुझे बाहर बिठाया उन्होंने बोला कि आप पंद्रह मिनट वेट करो मैंने कहा ठीक है उसके बाद द कास्टिंग गर्ल केम आउटसाइड एंड शी वाज लाइक आपने जो ऑडिशन दिया आपने लीड गर्ल के लिए दिया है बट जो लीड गर्ल की एज है वो है ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन बट यू आर जस्ट एटीन सो आप सूटेबल नहीं हो बट वी रियली लाइक योर एक्टिंग एंड आपका कॉन्फिडेंस आपको कैमरे वी आर वेरी फ्रेंडली टू कैमरा सो वाई डोंट यू ट्राई फॉर द्ली पैलरली हाँ like, okay, को, तो कुछ पता नहीं लीड पहले ली किया मेरे लिए तो इट वॉज लाइक अ बिग थिंग आई कैन सो मैंने उसका ऑडिशन दिया वो ऑडिशन लाइक ओके कॉल यू मैं फिर गई मोमोज खाए मैं घर चली गई जो मेरा <laughs> मोटो था वो मैंने कर लिया नेक्स्ट डे ओनली आई गोड फर्स्ट ऑडिशन इन माय एंटायर लाइफ विदाउट एनी क्लासेस विदाउट एनी थिएटर आई यू सिलेक्टेड सो या दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट शो लगता है ये डेस्टिनी में था कि एक्टर yeah. तो ही बनना था इट इट वाज वाज चाहे वो मोमो के बाहर ही क्यों ना हुआ या yeah. <laughs> yeah. Uh, आपने कहा कि बचपन में कॉन्फिडेंस नहीं था यू यूज टू फील यू डोंट लुक गुड देर आर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर हु फील द सेम या सो वहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आना और ये ट्रांजिशन होना ये कैसे हुआ यू नो आई रियली रो नो आखिरी थी वो दो साल मेरे लिए बहुत अलग थे मे बी बिकॉज ऑफ माई डॉग बिकॉज उस ईयर में मैं अपना डॉग लेकर आई थी बिकॉज आई वॉज रियली डिप्रेस्ड और उस टाइम पर डिप्रेशन वॉज वॉज नॉट अ थिंग और घर वालों को बोल भी नहीं सकते कि आप डिप्रेशन में हो और इट वॉज नॉट लाइक अ प्रॉपर डिप्रेशन बट इट वॉज लाइक आई ऑलवेज यूज टू क्रिप आई ऑलवेज यूज़ टू कम्प्लेन मैं रोती रहती थी बस वह चिड़चिड़ी थी इतनी ज़्यादा सब एक दिन जिद करके मैं डॉग ले आई बट वो मफिन के आने के बाद ना आई चेंज इन हाउ आई बिकेम सम्स ही डिड दैट मे बी बिकॉज आई वॉन्टेड दैट लव और अगर मम्मा मुझे प्यार भी करती थी ना आई यू थिंक दिस इज़ फेक वो hmm. मीत को ज्यादा प्यार करती है मेरी सिस्टर को ज्यादा प्यार करती है इशब को ज्यादा प्यार करती है क्योंकि वो छोटा है सो so मुझे ऐसा लगता है आई आम द लेफ्ट आउट पर्सन वेन आई गॉट मफिन आई आई गॉट दैट लव विच आई वॉज लुकिंग एक्चुअली फिर उसके बाद मुझे वो सबका वो लव लग दिखने लगा कि डैम दे लव मी सो मच आई वाज सच आई सी इट इट वाज लाइक दैट सो आई बिलीव फॉर मी इट वाज मफिन कि जब आप वो प्यार ढूंढ रहे हो ना आपको किसी भी चीज़ में मिल सकता है किसी भी चीज़ में बीट योर पार्टनर योर बॉयफ्रेंड और मे बी इन अ फ्रेंड और मे बी इन अ डॉग करेक्ट या तो ये इनसेरिटीज़ प्यार मिलने के बाद दूर हो गई या टोटली आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लेसन फॉर एनीबडी बिकॉज हम लोग क्या है जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं ना अपने खुद के दिमाग में बनाते हैं या इट्स इना है इट्स नॉट रियल इट्स नॉट रियल मतलब मम्मी पहले भी प्यार करती थी बाद में भी प्यार वो ही कर रही है हाँ <laughs> बट दिखना बाद में शुरू हुआ एग्जैक्टली exactly. मतलब नाव तो आई कैन नॉट थिंक अबाउट कि मैं मम्मा से ऐसे बात कर सकती हूँ या मम्मा के बारे में नहीं सोच सकती हूँ मतलब दिन में मैं चार बजे कॉल करती हूँ उनके बिना आई कैन नॉट डू एनी थिंग सो इट्स चेंज लाइक ग्लैस्टिकली

एटीन ईयर ओल्ड राइट इन दैली अभी आप शूट पर गए आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया कि यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर एंड दे शुड अलाउ यू टू डू दिसके फर्स्ट फॉर मॉडलिंग एंड एक्टिंग दे वर ओके बट मूविंग आउट ऑफ द हाउस दैट वॉज अ बिग इशू आई मीन Uh, <laughs> आज भी याद करती हूँ ना तो ऐसे होता है सो वेन आई यूज़ टू गो फॉर शूट्स एंड ऑल शूट्स एंड ऑल तो देवर लाइक ओके ठीक है कमारी है वो खुश है इस चीज़ से उसको खुशी मिल रही है एटलीस्ट वो क्रेब नहीं कर रही है जैसे वो पहले करती थी हमेशा परेशान नहीं रहती है सो देवर लाइक फाइन बट जब मैंने उनको बोला कि ये डेली का शो जो है वो नोएडा में है एंड आई हैव टू मूव आउट move out of Delhi to Noida. yeah, okay. uh, to Noida. Pass me था यार दो घंटे ही है लेकिन मेरे को ये था मैं Delhi आना जाना नहीं कर सकती इतना पैसा भी नहीं मिल रहे थे ना यार की Delhi आना जाना कर so I was like कि मैं वहीं पर रह लूँगी so they arranged a very well uh, uh, rooms and all for us for actors and production actors. house ने आपको arrange किया बहुत अच्छे से किया था but they were like no my dad was like not at all you're not stepping out of this house I was like I am going I have to do it फर्स्ट मम्मा ऑलसो साइड कि नहीं ये नहीं ठीक है तू सेफ नहीं है और नोएडा उस टाइम पे बहुत यू नो इट वाज नॉट सेफ इट वाज नोएडा एक्सटेंशन दैट टाइम तो अभी तो इट इज़ वेरी मच फाइन बट अर्लियर टाइम इट वाज वेरी वेरी बैड सो मम्मा लाइक नो डोंट डू इट देन आई वॉज लाइक मम्मा मुझे करना है यार आप बोलोगे तो भी करूँगी नहीं बोलोगे तो भी मैं करूँगी देन शी थॉट कि यह तो करने ही वाली है तो शी वॉज लाइक ओके गो फॉर इट मैं डैड को मना लूंगी मैं सबको मना लूँगी सो दिस इज हाउ आई डन दैट बट यू नो वॉट दैट वॉज नॉट द प्रॉब्लम द प्रॉब्लम वॉज उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ <laughs> मैं शूट शू, शू, शू कर रही हूँ शो कर रही हूँ मैं मॉम्स फ्रेंड रिलेटिव टू कॉल हो उसको वापस बुला लो ये गलत है यह इंडस्ट्री गलत है ये ग्लैमर वर्ल्ड दिखने में अच्छा है ये बहुत बुरा है एंड शी यूज़ टू क्राई ऑन फोन अमन मेरे को ये लोग ये बोल रहे हैं मत करना मुझे सुनने को मिल रहा है तो वापस आ जाए लाइक मम्मा डोंट क्राई वन डे आई मेक यू प्राउड प्लीज़ ट्रस्ट मी ट्रस्ट द प्रोसेस मत करो ऐसे प्लीज मैं उतना ही ज़्यादा लो फील करूंगी आई वोट भी एबल टू एक्ट एंड शी वॉज लाइक मैं क्या करूँ सब लोग फ़ोन कर कर करके बोल रहे हैं कि ये गलत इंडस्ट्री है कौन शादी करेगा इससे माई रिलेटिव यूज़ टू कॉल माई मॉम कौन शादी करेगा इससे लाइक मम्मा वाई आर यू इवन थिंकिंग अबाउट आम जस्ट नाइन एटीन सो दैट वॉज द फर्स्ट पास या सो ये सब चीज़ें एक्चुअली होती हैं लोगों के साथ व्हेन आई गॉड इन मॉडलिंग सेम थिंग यूज़ टू हैपन विद माय पेरेंट्स ये तो गलत इंडस्ट्री है इधर नहीं जाना चाहिए yeah. इधर पे मत भेजो लड़की बिगड़ जाएगी शादी कौन करेगा एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन पर अभी व्हेन यू टॉक टू योर मदर

आई एम नॉट अफ्रेड कि मैं ये चीज़ सबके सामने बोल रही हूँ मैं सबके मुंह पर बोलती हूँ आई एम अ वेरी ब्लाइंड पर्सन और मैं मम्मा को भी बोलती हूँ कि मम्मा देखो आज सब लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे अभी अभी शादी पे भी की लेट्स क्लिक अ पिक्चर विद यू लेट्स मैंने कहा ये ये लोग थे जो आपको रुलाते थे मॉम एंड शीज लाइक या थैंक गॉड तूने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया और उस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा माई मॉम तो इज़ लाइक सुपर प्राउड ऑफ मी ऑफकोर्स माई डैड एंड माई सिस्टर एंड माई ब्रदर एवरी इज सो प्राउड ऑफ मी बट आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ प्राउड पर्सन की यू you नो know, मैंने मम्मा को वो चीज़ दी उन्होंने बहुत सुना है मेरे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है सो so, एटलीस्ट I am capable to do something for her. At least she's happy because of me. Your mama has always been your biggest supporter, yeah, yeah, I feel. Yeah. 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 So, ye this is Noida ki. Abhi tum Noida. Ho. Noida se, after doing these shows, you hmm. also came to Bombay. Yeah. How was that transition from Delhi to Bombay and then coming here and making a mark in the industry? Getting your first show? Uh, yeah. So. <laughs> So when I was shooting in Noida for my first, show, uh, first uh, show, I met one friend of mine that was Pia. Okay. And good friends, room and she is just the sweetest lady I've ever met in my whole life. Yeah, I know. Yeah. So, you know, she always saw that, saw that something, some spark in me, and she always used to say that Aman, tu to lead material to lead girl. तू ये मत कर तू ये क्यों कर रही like, तो है लाइक डूड मेरे को स्टार्ट तो करना है ना कहीं से स्टार्ट मेरा कोई है नहीं इंडस्ट्री में जो मुझे हाँ। सीधा लीड के लिए ऑडिशन के लिए भेजते या uh, करवा दे और वट एवर सो लाइक आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम सम वे सोश लाइक ओके इस शो के बाद तू बॉम्बे आ जा मैंने कहा हाउ इट्स नॉट पॉसिबल मेरी मम्मा नोएडा नहीं भेज रही थी बॉम्बे कैसे भेज देंगी <laughs> और वो भी मतलब हाँ। इतनी जल्दी इट्स टू अर्ली शोज़ लाइक नई अमन अभी एज है तेरी अभी जल्दी शुरू करेगी ना तो यू हैव इनफ टाइम फॉर यू फॉर योर फ्यूचर वट एवर पह मेरे उसको साफ मना कर दिया कि आई एम नॉट डूइंग दिस ओके आई एम नॉट बाइंग दिस बिकॉज मेरे को पता था मम्मा नहीं जाने देंगी शो बंद हुआ एक महीना मैं घर पर बैठी आई वॉज डिप्रेस्ड अगैन की आई एम नॉट वर्किंग आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग प्रिंट शूट्स तो चल ही रहे थे साथ साथ बट आई वॉन्टेड टू एक्ट ना वो कहते ना एक नशा चढ़ गया था कीड़ा आ गया, गया। अपनी पैसे चाहिए मेरे को मम्मा अपनी पैसे चाहिए अब मुझे एक्टिंग करनी है मुझे एक्टर बनना है वो कीड़ा था मुझ में अब सो शी सॉ दैट कि ठीक है इसने एक शो किया है ये प्यार नहीं तो क्या मैं भी मुझे बहुत लोगों ने पहचाना ऑफकोर्स इट वॉज़ अइस शो सो देन मैंने उनको कन्विंस किया एंड शी व

बट द जर्नी बिगन्स ना एंड मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मुझे जैसे फर्स्ट शो मिला ने तो बोल दिया मैं लीड मटीरियल हूँ पिया ने yeah. तो बोल दिया सो दैट वॉज इन माई हेड आई many shows yeah. तो उन्होंने अगर कुछ सजेस्ट किया तो अच्छे से क्या एंड शी सो गुड विद पेरेंट्स या शी इज अ पेरेंट हर्सेल्फ तुम उसको मम्मी बोलती हो ना उसको मम्मी बोलती हूं वो मुझे अपनी बेटी बोलती है कि तू मेरी बेटी है हां सो so, मेरे दिमाग में एक अलग इमेज थी बॉम्बे की एक्टिंग की और ये स्ट्रगल की बट व्हेन आई केम हियर नो वन वाज गिविंग अ डैम टू मी आपको लगा, <laughs> लगा लोग नजरें पलके बिछा के यहां पे वेट कर रहे हैं हां पर किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था मैंने एक शो किया हुआ मैं ऑडिशन पे जा रही थी मेरे को लगा अरे आप बोलेगा अरे अमनदीप जी आप आपने तो एक शो किया जा रही थी आप लाइन में मी मैं नहीं बैठूंगी मैंने शो कर रखा है ऐसा था मेरे लिए बट लेटर ऑन वो चीजें एक्सेप्ट करने लग गई पिया ने बहुत समझाया कि हमने ऐसा नहीं होता एक शो कुछ नहीं होता यू हैव टू वर्क हार्ड ठीक है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी एंड यू आर वेरी वेरी यंग तो तुझे बहुत कुछ देखना है और आई एम देयर ऑलवेज इफ़ यू वांट टू क्राई एंड क्राई ऑफ कोर्स क्राई अगर तेरे को बुरी लग रही है कुछ बात तो आई यूज्ड टू क्राई कि यार वो लोग ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं मुझे यार मैं दो दो घंटे क्यों बैठूँ वहाँ पे मैं टाइम पर जाती हूँ मुझे बारह बजे बोलते हैं कि ऑडिशन के लिए और मैं बारह बजे पहुँचती हूँ लेकिन मैं तीन बजे तक बैठी हुई क्यों भाई दिस इज नॉट फेयर सो आई यूज टू क्राई मैं पिया से ही बोलती थी दस दिन, दस दिन हो गए दस दिन रेगुलर में जा रही हूँ एक दिन में तीन तीन ऑडिशन दे रही हूँ मुझे काम नहीं मिला एंड शी लिटरली लॉकडाउन में फेस दस दिन लोग दस दस साल बैठ जाते एक ब्रेक के लिए जो दस दिन में यू क्राइंग यू कार्ड लूज इट लाइक दिस मैं लाइक नो यार मैं मम्मा से प्रॉमिस करके आई हूँ कि दो महीने में काम नहीं मिला तो मैं वापस आ जाऊँगी एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक आई जस्ट कैन नॉट गो बैक मैं बड़े बड़े You know, बातें करके आई मैं एक्टर बन के आऊंगी मम्मा नाइक नो अमन तू मम्मा से बोल महीने चाहिए देखो लेकिन तू अच्छे से कर ये, सोच कि तू ये दो महीने में, में like तो ट्राई हाँ, कर ले सो बहुत ही अपसेट हुई इस चीज को लेकर बट देन आई आई वो लाइक ओके लेट इट बी आई जस्ट गिव माई ऑडिशन एंड लेट इट बी जो होते हैं उन्हें तो देन आफ्टर थ्री मंथ्स नॉन स्टॉप ऑडिशन्स ऑलमोस्ट सौ डेढ़ सौ ऑडिशन्स के बाद सौ डेढ़ सौ ऑडिशन ओके उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट शो दैट इज तंत्र वेरी गुड बट देट वॉज नॉट ऑल्सो लीड दैट वॉज ऑल्सो पैलर लीड अच्छा बट आई हैव टू डू इट बिकॉज

अच्छा इस टाइम पे भी जब ये रिजेक्शंस चल रहे थे डिड यू एवर गेट इन टू दैट जोन वेद इन योर फीलिंग डिप्रेसिव योर लाइक अब शायद नहीं होगा आई शुड जस्ट गिव अप मे बी आई शुड चेंज माई करियर आ नॉट इन दिस पीरियड बिकॉज उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा जोश था मुझ में वो तीन महीने में तो बहुत ज़्यादा जोश था कि करूँगी तो यही करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आफ्टर वॉट लाइक वेन आई डिसाइडेड कि मुझे कैरेक्टर्स नहीं करने हैं सितारा के बाद अब मुझे सिर्फ और सिर्फ लीड करना है चाहे कुछ भी हो जाए देट वॉज द पॉइंट मैंने बोला अब कैरेक्टर्स आएंगे ना मैं लूंगी ही नहीं मैं हाँ, मैं मना कर दूंगी क्योंकि मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे डायरेक्टर से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता था कि नहीं यू शुड ट्राई फॉर इट यू हैव अ लीड फेस आप, आप मतलब यू यू कैन डू इट डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स या बोलते हैं आपको सजेस्ट करते तो से तो मैं और चने के झाड़ पे चढ़ती थी और <laughs> डायरेक्टर ने <नहीं> बोला यार टाइम <laughs> yeah. से काम कर रहे और वो देखते एक्टर में क्या है क्या नहीं मैंने कहा आई विल नॉट डू एनी थिंग नाउ आई विल डू ओनली लीड उस पीरियड में मैं कुछ ऑलमोस्ट एक साल और सात महीना घर पे बैठी थी जिसमें लॉकडाउन भी हुआ एक साल सात महीना या yeah. अच्छा कह रही इमेजिन वो तीन महीने मिले थे डिफिकल्ट थे लेकिन उसके बाद मैं एक साल और सात महीना घर पे बैठी हुई थी और उसमें लॉकडाउन का फेज भी चल गया था एंड आई कैंट टेल यू दैट टाइम आई थॉट आई लीव इट आई जस्ट कैंट डू इट आई वोट डू इट क्योंकि इतना ब्रेक लेने के बाद सबको मना कर दिया मैंने कैरेक्टर्स के लिए भी और अब मुझे कैरेक्टर्स के लिए भी कॉल नहीं आ रहे हैं लीड का तो भूल ही जाऊ नो ओनली मैं सो yeah. so, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ बट आई वो आदत हो जाती है ना आपको एक पैसा मिल रहा है आप इंडिपेंडेंट हो आप you're, you're happy, you're अब वो पैसे भी खत्म हो गए सेविंग भी खत्म हो गए अब आपको क्या करना है मैं डेली चले गई और मैं वहाँ जाके मम्मा से बोल रही हूँ मैं अपने सिस्टर से बोल रही हूँ मीट मेरा कुछ इंटरव्यू लाइन अप करा दे बिकॉज आई वॉन्ट टू स्विच आई कॉन्ट डू इट बिकॉज मुझसे नहीं होगा अभी यू नाइन टू फाइव जॉब अच्छा बिकॉज आई हैड टू डू समथिंग नो यार मैं घर पे नहीं बैठ सकती एक साल सात महीना दिस इज जस्ट टू मच एंड अब कितना मांग लोगे यार फैमिली से कि मम्मा मुझे चाहिए मम्मा मुझे चाहिए यू कांट वंस यू स्टार्टेड अर्निंग ना उसके बाद वो पेरेंट्स से पैसा लेना यू कान टेक इट दैट्स नॉट मेरे साथ तो नहीं होता एंड आई आई नो आपके साथ भी नहीं आई नो यू फ्रॉम सो लॉन्ग सो आई हैव सीन योर जर्नी ऑल्सो सो इट्स नॉट पॉसिबल सो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं स्विच कर रही हूँ अपनी uh, जो भी uh, करियर है बट देन वन फाइन डे अगेन आई गोटा कॉल फॉर दिस शो ऑन सी टी वी तेरी मेरी जिंदड़ी आई लाइक होना तो है नहीं और मैं दिल्ली में थी मैं लाइक मैंने होना तो है नहीं मैं क्यों ऑडिशन दूँ और मैं ऐसी लेटी हुई थी बेड पे और मम्मा और सिटिंग दर शशि बोला अमन ऑडिशन दे so like, खड़ी हो मैंने कहा मम्मा मैं नहीं दे रही हूँ मुझसे नहीं होगा बार 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 ऑडिशन दे रही हूँ कुछ नहीं हो रहा है क्या तैयार होना पड़ेगा मेरे को बाल बनाने पड़ेंगे रेडी होना पड़ेगा यार एक घंटा लगता है मम्मी मैंने ये सब बोला मैं कहती नो गेट अप राइट नाव मैं उठी मैंने ऑडिशन दिया बेमन से ऑडिशन दिया है आकृति मतलब एक

पंद्रह मिनट के बाद मुझे कॉल आता है कि uh, the emotion and all is okay, but आपका लुक जो है ना वो चेंज करना थोड़ा मेकअप में चेंज पहन लो ज्वेलरी पहन लो लाइक है, पहलो, पहलो, है हाँ। यार मेरे को पता नहीं हाँ। मैं दोबारा नहीं बना सकती एक बार दे दिया ना यार हाँ। मना कर दो सीधा मुंह पे डेढ़ सौ ऑडिशन में बना झेला है अब बुरा नहीं लगता था रिजेक्शन मुझे सो मैंने वो दिया So, uh, हाँ, वो वो ऑडिशन देने के बाद कुछ नहीं हुआ एंड नेक्स्ट नेक्स्ट डे आई आई अ कॉल कि वीक um, आपका मॉक 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 शूट 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 करना करना है आपको like, करना है आपको बॉम्बे आना पड़ेगा वाज लाइक व्हाट फॉर लीड मतलब मैं तो हो गई बजट बजट सब के बारे में बारे में बात कर ली मैं वापस भागी बॉम्बे मैंने अपना घर वर सब कुछ वापस से अरेंज किया जब तुम घर ढूंढ रही थी यहाँ पे या yeah, है ना या या सो वो किया मैंने बॉम्बे uh, आई मैंने मॉकशूट दिया मॉकशूट होने के बाद दे वर गॉन दे डिसअपीर्ड दे डिड नॉट कॉल यू नो फॉर टू मंथ्स फिर आई वाज लाइक व्हाट द हेक और ये दो महीने के लिए तुमने बॉम्बे भी आ गई हो घर भी ले लिया है घर का भी अरेंज कर लिया है सब कुछ एवरीथिंग इज is...

क्रिएटिव में करेगी तू तु, तुझे पता भी है कुछ उसके बारे में यू डोंट नो एनी थिंग हाउ कैन यू डू दैट मैंने कहा तो ठीक है ना किसी कहीं और जॉब लगवा दे दे तो बहुत फ्रेंड से कहीं और जॉब लगवा दे प्लीज़ दिस इज द लास्ट फेवर आई एम आस्किंग यू प्लीज़ मुझे जॉब चाहिए <laughs> तो शी वाज लाइक नो अमन वेट फॉर सम टाइम आई आई थिंक अबाउट इट मैं बताती हूं तुझे कुछ जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस कि ये जो जॉब करने का डेस्परेशन उस टाइम आया वो इसलिए आया कि

सो प्रिटी इन यू नो बहुत सही लाइफ स्टाइल है इनका ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है गाइज के मत सोचो या <laughs> yeah. हाँ। फिर फिर क्या हुआ फिर तुम क्रिएटिव की जॉब जा रही थी हाँ तो हाँ। उसने मुझे बोला कि आई थिंक अबाउट इट मैं तेरा कुछ करती हूँ आई लाइक वो भी मेरे को उसमें नहीं करानी थी मुझे पता था वो नहीं चाहती थी कि मैं एक्टिंग से एक्टिंग से अपना करियर चेंज करूँ हाँ। मैंने कुछ नहीं किया एक महीना और हो गया ऑल फर सडन दे कॉल्ड मी आप एंड दे मै लाइक लुक टेस्ट करना है आपका और लुक टेस्ट के बाद आपको ऑफिस आना है कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई वॉज नॉट बाइंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज नॉट एट ऑल मैंने कहा कुछ भी बोल रहे हैं मैंने कहा ओके आई वेल कम मैंने किसी को नहीं बताया मॉम को भी नहीं बताया आप क्या को भी नहीं बताया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा हूँ मैं लुक टेस्ट करके आई मैं ऑफिस में गई जो भी चीज़ें हमें डिस्कस करना था वो किया एंड मैंने साइन कर दिया और मेरे पास आज भी इसकी पिक्चर है एंड उस क्राइम और मैं साइन कर रही हूँ और मैंने मम्मी को बताया भी नहीं है कि मैं साइन कर रही हूँ किसी को नहीं पता बिकॉज मुझे लगा कि ये जूट एबिट्स है ये नहीं होगा मेरे साथ इट्स नॉट पॉसिबल आई कैन गेट लीड और आई एम गेट इंग उसके बाद साइन करने के बाद मैं बाहर आई हूँ और मैं ऐसे बैठी हूँ इट ई कॉल्ड अप मॉम एंड आई एम क्राइंग मैंने साइन कर दिया मैंने साइन कर दिया एंड शी वॉज क्राइंग देर वी वर वी वर हैविंग मैंने उम्मीद को फोन किया शी वॉज इन ऑफिस एंड उसको बोला मैंने कहा उम्मीद कर दिया कहते चल झूठी मैंने कहा कर दिया तूने कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से पढ़ा ना मैंने कहा हाँ बड़ी बहन ऐसी होती है <laughs> मैंने कहा मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तू तो बोल रही कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से बड़े कि नहीं मैंने साइन किया यार यू हैव टू थिंक यू हैव टू सेलिब्रेट इट विद मी सो यार दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी आ अभी तुम नागिन कर रही हो विद तेजस्वी प्रकाश या दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट शो ऑन टीवी या छह सीजन आ चुके द जिस सीजन एंड यू आल्सो बिकम नागिन ऑन द शो या सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस बिन ऑन द शो एंड वर्किंग विद तेजस्वी आ शी इज अ फन लविंग गर्ल शी इज़ रियली वंडरफुल ह्यूमन और बहुत चिल्ड आउट है वो मतलब वो शी इज़ वेरी नॉर्मल लाइक हमारी जैसी है अब से सब लोग पता नहीं क्यों पूछते हैं हाउस तेजस्वी हाउ इज़ वर्किंग शी इज नॉर्मल लाइक एंड शी इज अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन हम लोग बैठते हैं हम लोग बात करते हैं हम लोग नॉन बात करते हैं लिटरली वे आर टॉकिंग नॉन सेंस बट द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज दैट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वेरी हार्ड वर्किंग बिकॉज शी इज़ प्लेइंग फोर कैरेक्टर्स इन द शो Characters. Wow. One is Teja uh, herself, Pratha, and one is her daughter. Then the Pratha Nagin and then the Pratna Nagin. Four characters, it's not easy. This not is easy. really difficult. And she is playing it so nicely, and she's working hard for it. changes But she's always smiling. So, yeah, I love her because of that. So, Aman, coming from a normal middle-class family. From a childhood wherein you felt that you are not pretty, you're not good looking, having those kind of insecurities <laughs> to now, having achieved such a massive amount of fame, you have done six shows on TV, so many leads, what is fame for you now? Oh, it's just too much it's just too much you say so fame for me is getting love from everyone and yeah. Uh, फेम आई थिंक सो हम लोगों ने बहुत गलत फ्रेम uh, किया हुआ है कि फेम ये होता है बहुत पैसा है बहुत खुश है ये ऐसा नहीं होता है फेम फॉर मी इज़ गेटिंग लव गेटिंग वर्क एंड लविंग योर जॉब आई एम लविंग माई वर्क राइट नाउ अर्लियर जब मैं वो कैरेक्टर करती थी मुझे मजा नहीं आता था क्योंकि मेरे पास वो फेम नहीं था मतलब जो मैं चाहती थी काम वो नहीं था अब बिकॉज आई एम लिटिल पॉपुलर सो मैं जो चाहती हूँ वैसा काम आ रहा है मेरे पास सो दैट्स वॉट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर मी अबाउट फेम कि अब मैं अपनी मर्जी से काम कर पा रही हूँ जो मुझे चाहिए जैसा कैरेक्टर वो कर पा रही हूँ पैसा सेकेंडरी है यार ठीक है पैसा भी चाहिए आपको मैंने पैसे के लिए ही स्टार्ट किया था बट गेटिंग द जॉब द जॉब यू लव दैट्स वॉट फेम इज़ फॉर मी एक uh, ये क्वेश्चन था नहीं हमारे लिस्ट में मैंने सोचा भी नहीं था मैं पूछूँगी बट बिकॉज वी स्पोक अबाउट ऑल दीज थिंग अबाउट दर्स ऑल्सो दर्स अ परसेप्शन दैट You know, people try to take advantage of pretty girls in the industry. Something like a casting couch kind of thing. Have you ever, did you ever come across such a situation in life? No. Not yet. Lucky you. Yeah, I'm really lucky. And you know what, I, I really think TV industry is the most safest industry in the world. मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने बोला अरे इसका कॉल से मेरा सिलेक्शन हो गया no. नो आपको आपके हार्डवर्क और आपके एक्टिंग स्किल्स से ही यहाँ पे काम मिलता है टीवी इंडस्ट्री में दिस इज द सेफेस्ट इंडस्ट्री हाँ कोर्स मूवीज में आई हैव हर्ड अलॉट नेवर एक्सपीरियंस एनी अभी तक तो टच वुड बट या आई एम लक्की इन दैट वेट जॉब गुड जॉब थैंक्स Yes your salad is waiting. <laughs> <laughs> okay. All right so bus, ho gaya. Thank you so much guys. This was me with Avandeep Sidhu. We had like this great very candid cool friendly conversation. If you like this video do subscribe to the channel. Bye.